हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं एप्पल साइडर विनेगर के बारे में। एप्पल साइडर विनेगर को किस तरीके से लिया जाए, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, कहां कहां इसको हम यूज कर सकते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसी से रिलेटेड कि ये वाकई में वेट लॉस करता है, कैसे करता है अगर करता है तो, और ये थ्योरी जो बताई जाती है कि ये वेट लॉस में काम करता है, क्या ये सही है या गलत है। सारी इन्फॉर्मेशन और इसके साइड इफेक्ट्स भी साथ में मैं सारी चीजें आपके साथ डिटेल शेयर करूंगी। आप वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक देखिएगा, कोई चीज मिस ना हो जाए, जिससे कि आप इससे रिलेटेड किसी को भी अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकें, आप दूसरों को भी ये चीज बता सकें कि एप्पल साइडर विनेगर कैसे काम करता है और वाकई में इसकी चीजें जो थ्योरी बताई जाती है वो सही है कि नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एप्पल साइडर विनेगर बनता कैसे है। ये तो सबको पता होगा, एप्पल साइडर विनेगर एप्पल से ही बनता है। पर कैसे बनता है? एप्पल को कुछ दिन, मतलब एप्पल को क्रश करके उसमें ईस्ट मिलाकर उसको कुछ दिन के लिए रख दिया जाता है फर्मेंटेशन के लिए, और उसके बाद ये जो इसमें शुगर पाया जाता है ये इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद इसको थोड़े दिन और रख देते हैं, ये इसमें जो अल्कोहल बन जाता है इसमें कुछ बैक्टीरियाज होने की वजह से ये अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है एसिटिक एसिड में। ये एसिटिक एसिड जो होता है ये ही एप्पल साइडर विनेगर कहलाता है। इसकी काफी खट्टी सी स्मेल होती है, काफी तेज स्मेल होती है, और टेस्ट में भी काफी खट्टा होता है, जिसको कि हम डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो ये तो मैंने आपको डिटेल बताई कि एप्पल साइडर विनेगर को किस तरीके से बनाया जाता है। अब हम इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी देख लेते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। एप्पल साइडर विनेगर में कोई विटामिन्स, कोई मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। इसमें स्मॉल क्वांटिटी में पोटेशियम पाया जाता है, एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, तो जो कि हमारी स्किन के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, अब कुछ स्टडीज इस पे की गई है जिसमें कि ये देखा गया है कि एप्पल साइडर विनेगर जो होता है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। मतलब कि जिन लोगों का हाई होता है उनको भी मेंटेन, उनके लिए भी ये मेंटेन करके रखता है, और जिसका ऑलरेडी कम है, मतलब जो मेंटेन है, उसको भी हमेशा के लिए मेंटेन करके रखता है। साथ में इंसुलिन के सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो ये तो कुछ स्टडीज इसके ऊपर देखी गई है। ऐसे ही स्टडी देखी गई है जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करता है, जिनका ज्यादा हो जाता है उसको मेंटेन करता है, कम करके लेके आता है, जिसका ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो जाता है उसको भी मेंटेन करता है। तो ये कुछ इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। साथ में देखा गया है कि एक स्टडी की गई थी, जैसे कि हम जानते कोई भी अगर हमको एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो चूहों पे किया जाता है, रेट पे किया जाता है, तो ऐसी ही कुछ स्टडीज देखी गई हैं जो रेट पे की गई हैं। और उसमें भी एक जो स्टडी थी वो ये थी कि इन चूहों को काफी दिन तक एप्पल साइडर विनेगर दिया गया और उन चूहों का ब्लड प्रेशर जो था वो एक लेवल पर आ गया, वो मेंटेन हो गया। जो कि हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर जो होता है ये एक मेन फैक्टर, मेन रिस्क फैक्टर होता है हमारी हार्ट डिसीज के लिए, और साइडर विनेगर कैंसर सेल्स को भी किल करता है, मतलब कि कैंसर रिस्क फैक्टर को भी ये कम कर देता है। ये हेल्थ बेनिफिट, अब मैं आपको आगे बताती हूँ इसके और बाकी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ये एक एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज किया जाता है, मतलब कि आप अगर किसी फूड को प्रिजर्व करना चाहते हैं, कुछ समय के लिए रखना चाहते हैं, जैसे कि उसमें जो बैक्टीरिया जो जिसके कारण से वो चीज खराब हो जाती है, जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं, पिकल्स हम बनाते हैं तो वो जल्दी खराब ना हो, इसीलिए उसमें अगर प्रिजर्वेटिव डालना चाहें तो आप ये एप्पल साइडर विनेगर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो एसिटिक एसिड होता है ये उसमें जो बैक्टीरिया नब जाते हैं जिसकी वजह से हमारा अचार खराब हो जाता है, उसको भी होने से बचाता है। तो आप कहीं पे भी अगर इस चीज को प्रिजर्व करना चाहते हैं, किसी भी चीज को, तो आप उसमें थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर को ऐड कर दीजिए। अब और भी मैं एक चीज बताऊं आपको, मैंने अपने काफी वीडियोस में कुछ जैसे कि टोनर बताए हैं या कोई मैंने क्रीम बताई है, मैंने आपको उसमें ये भी चीज बोली है कि अगर आप इसको थोड़े लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं, इसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप एप्पल साइडर विनेगर डाल लीजिए। और मैंने काफी जगह इसको यूज भी किया है। उसका रीजन यही है कि ये एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है और हमारी किसी भी चीज को खराब होने से बचाता है।
ये एज अ डिओड्रेंट भी काम करता है, जिन लोगों को स्वेटिंग ज्यादा होती है, पसीना ज्यादा आता है और एक गंदी सी स्मेल होती है, वो भी किसके वजह से, जब बैक्टीरिया पनपते हैं तो उसकी वजह से एक गंदी सी स्मेल आती है, तो ये उस स्मेल को भी दूर करता है। कैसे दूर करेगा? आप स्प्रे बॉटल में आधे से ज्यादा पानी लीजिए और उसमें आप 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर दीजिए और उसके बाद अच्छे से उसको शेक करके, आपको स्वेटिंग ज्यादा होती है, आपको ऐसा लगता है कि स्मेल ज्यादा आती है, तो आप इसको स्प्रे कर लीजिए। एप्पल साइडर विनेगर स्किन को भी काफी अच्छा बना के रखता है। कैसे बनाता है ये? आप एप्पल साइडर विनेगर के थ्रू आप अपने जिनके फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं और वो जो पिंपल्स के स्पॉट्स छूट जाते हैं उसको दूर कर सकते हैं, वो भी ये एप्पल साइडर विनेगर। कैसे यूज करना है? जस्ट 1:1 का रेशियो लेना है आपको, मतलब कि 1 पोर्शन आपको एप्पल साइडर विनेगर लेना है और 1 पोर्शन आप इसमें वॉटर एड करेंगे। दोनों को मिक्स करके आप अपने फेस पे इसको लगा सकते हैं जहां जहां आपको स्पॉट्स है। डायरेक्ट ट्रीटमेंट के फॉर्म में मैंने आपको बताया था। और ये कैसे हमारी स्किन के पीएच लेवल को भी बैलेंस करता है, साथ में ये जिन लोगों को स्किन से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन लोगों के लिए भी काफी अच्छा है, वो इसको लगा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि डायरेक्टली आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो एसिड प्रेजेंट होता है ये काफी हमारी स्किन को इरिटेट कर सकता है, और खास तौर से जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो तो बिल्कुल भी इसको डायरेक्टली अप्लाई ना करें। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 1:1 के पोर्शन में आप इसको यूज करिए। ये एज अ एंटी डैंड्रफ भी काम करता है ना, कितनी अच्छी बात कि ये आपके हेल्थ से रिलेटेड सारी बेनिफिट्स मैंने आपको बताया कि हेल्थ के लिए भी कितना अच्छा है, स्किन के लिए कितना अच्छा है, बालों में भी काम कर रहा है, तो मतलब एक चीज और इतने सारे फायदे। तो ये बालों के लिए कैसे काम करेगा? ये आपके बालों में जब डैंड्रफ हो जाती है या किसी को ईचिंग ज्यादा होती है, तो वो सेम यही मैंने जो आपको बताया कि एक स्प्रे बॉटल में आप ले लीजिए, हाफ आप एक स्प्रे बॉटल ले लीजिए, उसमें हाफ पोर्शन वाटर का रख लीजिए, जिसमें कि आप 3 से 4 चम्मच आप उसमें एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर लीजिए और उसको आप अपने स्कैल्प पे स्प्रे कर लीजिए और उसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने दीजिए, मतलब कि थोड़ी देर समझ लीजिए 20 से 25 मिनट आप ऐसे ही रहने दीजिए, उसके बाद आप नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, अगर आप शैम्पू नहीं करना चाहते हैं तो भी चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको इतने सारे बेनिफिट्स बता दिए, पर मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको वेट लॉस के बारे में भी बताऊंगी, राइट? तो वो मैं भूली नहीं हूं, मैं आपको बताती हूं कि इसके लिए जो बोला जाता है, इसको कंटिन्यू लेने से क्या सच में वेट लॉस होता है, और ये जो थ्योरी है कि ये वेट लॉस करता है तो करता है, एक हद तक करता है, पर ये नहीं बोलूंगी मैं कि सिर्फ पीने से कंट्रोल होता है, सिर्फ पीने भर से आपका वेट लॉस होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये उन लोगों के लिए है जो वर्कआउट कर रहे हैं और जो एक्सरसाइज करते हैं, बट उसके बाद भी उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए वेट लॉस के ऊपर। तो जो लोग अगर वर्कआउट कर रहे हैं और ये रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वो उन लोगों को एप्पल साइडर विनेगर को लेना चाहिए, जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, जिसके वजह से हमारा जो वेट लॉस है वो जल्दी जल्दी होना चालू हो जाएगा। अगर ये थ्योरी किसी ने बोली है कि डायरेक्टली सिर्फ आप एप्पल साइडर विनेगर को इनटेक करके वेट लॉस कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप एक सिर्फ ड्रिंक पीने से वेट लॉस कर लेंगे, ठीक है? तो आप अगर इसको ले रहे हैं, साथ में आप थोड़ा वर्कआउट करिए और थोड़ा सा अपने डाइट पे कंट्रोल करिए, तो आपको इसके रिजल्ट्स जो 1 महीने में मिलना था वो आपको हो सकता है 20 दिन में ही दिख जाए, मतलब कि टाइम ड्यूरेशन कम हो जाए और आपको वो रिजल्ट्स जल्दी दिख जाएंगे। तो इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये इसके ऊपर यही थ्योरी है कि ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर दी है। साथ में जो लोग इसको लेते हैं, ये थ्योरी भी देखी गई है, स्टडी की गई है कि जो इसको लेते हैं एप्पल साइडर विनेगर को, उनका जो पेट होता है उनको ऐसा फील होता है कि हमारा पेट भरा हुआ है इसको लेने के बाद, जिसके कारण उनको भूख जल्दी नहीं लगती और वो खाना कम खाते हैं, जिससे कैलोरीज कम जाती है। तो ये भी एक रीजन है कि एप्पल साइडर विनेगर लेने के बाद वेट लॉस क्यों होता है, और ये खास इफेक्ट करता है हमारे बैली फैट पे, बैली फैट को ये काफी हद तक रिड्यूस करता है।
अब इसको लेने का तरीका मैं आपको बताऊंगी कि लेने का तरीका कैसा होना चाहिए, मतलब किस समय पे आपको कितने कैसे क्वांटिटी में लेना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको लेना कैसे है, या तो कि दो तरीके से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। ये आप अगर मॉर्निंग में सुबह उठ रहे हैं तो ब्रश करने के बाद आपको इसको लेना है। एक ग्लास आपको पानी लेना है और उसमें 1 या 2 टीस्पून आपको नॉर्मल जो खाने वाली चम्मच होती है वो आपको इसमें ऐड करना है, एप्पल साइडर विनेगर डालना है। आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप, मैं आपसे बोलूंगी कि आप एक ही चम्मच से ऐड करिएगा, ठीक है। आप इसको लीजिए, एक ग्लास में पानी लीजिए और उसमें एक ही चम्मच से स्टार्ट करिए। आप पहले दिन पी के देखिए कि आपको ये सूट हो रहा है, ठीक है। अगर सूट होता है तो आप 2 चम्मच तक जाइए, बाकी 2 चम्मच जरूरी नहीं है, आप 1 चम्मच ही इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 1 से 2 चम्मच लिया जा सकता है, ज्यादा क्वांटिटी किसी चीज की अच्छी नहीं होती है। तो एक ग्लास में 1 या 2 चम्मच आप मॉर्निंग में ब्रश करने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे बोल रही हूँ कि ब्रश करने के बाद, उसका रीजन भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैंने आपसे ये क्यों बोला है कि ब्रश करने के बाद लेना है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका कि आप इसको खाना खाने से आधा घंटे पहले ले सकते हैं, मतलब एक ग्लास में वही 1 या 2 चम्मच डालकर खाना खाने से आधा घंटे पहले ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एसिटिक एसिड होता है जो हमारे खाने को जल्दी अच्छे से डाइजेस्ट करता है, ठीक है। इसीलिए आप खाना खाने से पहले इसको ले लीजिए या मॉर्निंग में ले लीजिए, ये इसके तरीका होता है लेने का। 2 तरीके मैंने आपको बताए, आप चाहें तो जैसे भी लेना चाहें वैसे ले सकते हैं इसको। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया डोज के टाइम पे कि आप इसको मॉर्निंग में ब्रश करने के बाद लीजिएगा, उसका रीजन ये था कि अगर आप ब्रश करने के पहले लेते हैं और बाद में उसके बाद टीथ साफ करते हैं तो उससे आपके इसमें जो एसिड प्रेजेंट होता है उसकी वजह से आपके दांत खराब हो सकते हैं, ये दांत के एनेमल को खराब कर सकता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ब्रश करने के बाद लीजिएगा। इसीलिए एक और रीजन है कि कई बार बोला जाता है कि इस ड्रिंक को आपको स्ट्रॉ से पीना चाहिए, जिससे कि ये आपके दांतों के कांटेक्ट में ना आते हैं। उसके बाद ये देखा गया है कि जिन लोगों को पेट में अल्सर होता है, मतलब कि पेटों में अल्सर पाए जाते हैं, छाले होते हैं, उन लोगों को इसको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एसिड जो होता है और उनको जलन देता है। या तो कि जिनको गैस ज्यादा होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को भी इसको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये एसिड फॉर्म में होता है और उनके ऑलरेडी पेट में एसिडिटी ज्यादा हो रही है तो ये उनको तकलीफ कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे लोगों को भी ये नहीं लेना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन्स को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे मैंने कुछ आपको बताया कि इन लोगों को नहीं लेना चाहिए और इसके ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो इसके वजह से हो सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसा लेना चाहिए। देखिए, मैं इसको यूज कर रही हूँ। इसमें आप देखेंगे कोई भी किसी भी ब्रांड का अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे बॉटल में अगर लिखा होता है कि विथ मदर विनेगर, जैसे कि मेरी बॉटल में लिखा हुआ है मदर विनेगर, इसका मतलब ये होता है कि ये फिल्टर्ड नहीं होता है। तो अगर ये फिल्टर्ड नहीं है तो ये आपको डायरेक्टली फॉर्म में मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा फायदा करता है। इस तरीके के एप्पल साइडर विनेगर में जो होता है एंजाइम्स पाए जाते हैं और फ्रेंडली बैक्टीरिया पाए जाते हैं, क्योंकि ये अनफिल्टर्ड होता है ना, इसीलिए ये इसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को काफी इम्प्रूव करता है, इसीलिए भी एक रीजन है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स काफी अच्छे रहते हैं फिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर की बजाय अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर के। मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है, मैंने आपसे सारी चीजें शेयर कर ली है कि आपको इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं और हेल्थ को छोड़ के वैसे भी क्या बेनिफिट्स है, कहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आपको लेना है। 2 तरीके मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ और कौन सा खरीदना चाहिए और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। होप करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यार अब तो लाइक कर दीजिए अब आप, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है, जिसकी आने वाले जो भी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइम से मिल सकें। वीडियो पसंद आता है तो शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और हाँ, फुल इन्फॉर्मेशन दी है जिसे कि आप भी अपने दोस्तों को बता सकें कि कैसे यूज करना है, ठीक है, तो इसको यूज करिए आप। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।